नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिराइड में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस है जो कि इसरो का है, जिसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम यहां पे देखेंगे। यह नोटिस है शॉर्ट नोटिस, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं IPRC भर्ती RMT 2023 26/3/2023 का ये पब्लिश हुआ है। इसका आवेदन 27 तारीख से चालू होगा। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल के लिए जो पोस्टें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं UR के लिए ये पोस्टें हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है, OBC के लिए, EWS के लिए एंड टोटल ये पोस्ट अवेलेबल है। इसमें जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल क्लास में क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास। फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास, उसके बाद फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड देन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या डिप्लोमा होल्डर्स वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। उसके बाद बात करें अगर टेक्नीशियन बी वालों के लिए, तो इसमें आप ITI होल्डर्स वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं। फिटर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 19 पोस्ट है, UR की 6, SC की 4, ST की 8, OBC की 8 और ये EWS के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर EWS का कॉलम है, ये SC का, OBC का, ST की कैटेगरी नहीं दी गई है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका EWS के लिए, OBC के लिए और SC के लिए। तो टोटल 19 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिटर वाले कैंडिडेट जो हैं ITI आपका फिटर से पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए भी देख सकते हैं जो पोस्टें दी गई हैं टोटल 3, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपका ITI पास होना चाहिए। वेल्डर के लिए आप देख सकते हैं 3 पोस्टें अवेलेबल हैं, वेल्डर के लिए आपका ITI वेल्डर से पास होना चाहिए। RAC वाले जो ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनका RAC से ITI पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट का ITI से इलेक्ट्रीशियन पास होना चाहिए। प्लम्बर वाले कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, उनका प्लम्बर से ITI होना चाहिए। उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड्समैन बी की बारे में बात करें अगर, तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल का, ITI से। उसके बाद देखिए हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए देख सकते हैं 5 पोस्टें अवेलेबल हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो जितनी भी टेक्निकल वैकेंसीज थी उसके बारे में मैंने आपको बता दी। यहाँ फायरमैन के लिए वैकेंसी देख सकते हैं, हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। और शारीरिक दक्षता के लिए, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड को मांगा जाता है फायरमैन के लिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहता है। इसमें आप देख सकते हैं 27/3/2023 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 24/4/2023 तक इसका आवेदन किया जाएगा। इसकी डेट दी गई है, ये एक शॉर्ट नोटिस के रूप में नोटिस पब्लिश हुआ है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको सपोर्ट करता है आपकी वैकेंसी की जानकारी के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।